अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो उर्दू खुशखती पर होगी, जिसका आज तीसरा लेसन है। तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पिछली वीडियो में हमने बे से बनने वाले हरूफ सिखाए थे, तो आज की वीडियो में हम दायरे से बनने वाले हरूफ सिखाएंगे आपको। इस तरह से नीचे में बिल्कुल दायरे में गोल है डालना है, इस तरह से ये जीम पे ट्राई करते हैं, ऊपर से ये दूसरी लाइन से शुरू करेंगे इस तरह से, और बिल्कुल नीचे से गोलाई में गोल दायरे की तरह इस तरह। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ऐसा लिखना आएगा। तो आइन लिखते हैं अभी इस तरह से, इस तरह नीचे से गोलाई में जीम की तरह। दोबारा से ट्राई करते हैं इस तरह से नीचे से गुलाई में बिल्कुल उसी तरह। तो आप ये देख सकते हैं कि सब हरूफ के नीचे दायरे की शक्ल आपको नजर आ रही होगी इस तरह से। आपने इस दायरे की प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑटोमेटिकली इस तरह लिखना आएगा। इस तरह ये देख लें, तो आप दोबारा से जीम डालते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल तीसरी लाइन के ऊपर नुक्ता डालना है। अगर आपने पिछले लेसन की तैयारी नहीं की तो आपको यह भी नहीं लिखना आएगा, तो आपको पिछले लेसन की तैयारी करनी होगी ताकि आप अगला लेसन कर सकें आसानी से। इस तरह से छः, हमारे पिछले लेसन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप उधर से देख सकते हैं। तो ये गाइन का नुक्ता, आप देखें कि मैंने किस तरह से मार्कर पकड़ा हुआ है। आप अपने लिए एक कलम बना लें जिस पर आप प्रैक्टिस करते रहें कागज़ के ऊपर इस तरह से। नीचे से आप देख सकते हैं सब के नीचे से गोलाई में एक दायरा बना हुआ है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है दायरे की। तो ये जीम, तो इसका भी देखें ऊपर से दायरा बन रहा है, ये देखें। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।